हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रॉड जी। दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डालमिया ग्रुप की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे डालमिया पावर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है वहां पे हम बात करने वाले हैं कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑल ब्रांचेज एलिजिबल रहने वाले हैं, जिसमें डिप्लोमा वाले, बीटेक, MEMtech सारे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट वालों के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, और बाकी सब जो फ्रेशर्स के लिए है वो आप देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जॉब की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बल्क में हायरिंग आई हुई है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जॉब की जो लिंक है वो ऑफिशियल लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और अगर ज्यादा इसकी नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो वहां पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे करंट ओपनिंग पे। नीचे स्लाइड करने के बाद आप आ रहे हैं करंट ओपनिंग पे। जैसे ही आप करंट ओपनिंग पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आपके सामने ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आई हुई है ये आपके सामने है। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं किस किस जॉब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला जॉब आपका रहने वाला है वो मेंटेनेंस इंजीनियर्स का रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज ऑन वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक ST मोटर, LT मोटर। तो दोस्तों, ये जो जॉब रहने वाली है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स की जॉब है और उसमें ST मोटर, LT मोटर, स्विच गियर, अर्थिंग एंड देयर ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं 11 तारीख से पहले। पोस्टिंग डेट है जो वो 4 तारीख की पोस्ट हुई है। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट पूरे जॉब वाले सेक्शन पे चलते हैं, वो भी जो लिंक होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, वहां पे आप जैसे ही जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड जो जॉब रहने वाला है वो सिविल मेंटेनेंस इंचार्ज का रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफी लंबा है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे पहले ही बोल दिया है सिविल मेंटेनेंस इंजीनियर, तो इस यहाँ पे सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की जो पोस्ट है ये भी 4 मार्च की आई हुई है और लास्ट डेट 8 मार्च रहने वाला है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट जॉब की। नेक्स्ट जॉब जो है हमारी यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टोर एसोसिएट की जॉब रहने वाली है। तो दोस्तों, ये स्टोर एसोसिएट की जॉब रहने वाली है, यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट जॉब की। तो दोस्तों, नेक्स्ट जॉब है जो यहाँ पे स्टोर एसोसिएट की जो जॉब थी वहां पे ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है, कोई भी ब्रांच किसी भी ग्रेजुएट फील्ड से अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट जॉब की, तो पैकेजिंग प्लांट सपोर्ट की, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसके डिस्क्रिप्शन। ऑपरेशन मॉनिटर, डेली डिस्पैच प्लान गिवन बाय लॉजिस्टिक, इंटरेक्ट विथ लॉजिस्टिक फॉर वेजन। दोस्तों, यहाँ पे मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। आप सारी जॉब्स को अच्छे से देख लीजिएगा, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इतनी सारी जो जॉब्स आई हुई हैं, आप कम से कम 3-4 जॉब में अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट जॉब आने वाली है दोस्तों, ये प्लानर की, प्लानर वाले जॉब में आप देख लीजिएगा कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोई वो नहीं दिया है, तो यहाँ पे प्लानर वाले में लाइक डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जॉब की तरफ। नेक्स्ट जॉब है दोस्तों, जो मैंने उसमें अपने मेंशन कर लिया था थंबनेल में, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों, GT टेक्निकल सेल्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों, जितने भी फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट फ्रेशर्स लाइक बीटेक वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जॉब की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब रहने वाला है वो जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर्स की रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे आप देख रहे हैं सिमिलर जॉब्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जॉब की तरफ, जो रहने वाला है कोल प्रोक्रूटमेंट की लीड की तरफ से। यहाँ पे जो कोल से रिलेटेड ब्रांच वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लाइक माइनिंग वाले, सिविल वाले, मेटलर्जी वाले, जितने भी हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जॉब की तरफ। यहाँ पे जो इतनी जॉब आई है दोस्तों, आप देख लीजिएगा नीचे स्लाइड करते हुए, जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर्स की मैंने बता दिया। इसमें जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर में डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, बाकी जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर की और सारी पोस्ट हैं आप नीचे स्लाइड करके देख लीजिएगा।
तो दोस्तों एक अगर हम जॉब की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम प्लानर में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही कोई भी अपना जीमेल आईडी डाल के आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, मिडिल नेम, लाइक सब डालने के बाद आप आगे बढ़ते जाइएगा। यहाँ पे आप बढ़ने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों लिखा हुआ है ऐड नेशनल आइडेंटिफायर। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की वो नंबर मांगेंगे, जिससे आप यहाँ पे अपना फिल कर लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो नीचे यहाँ पे मांग रहा है, तो इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं 1 मिनट। तो दोस्तों नीचे आएंगे, एड्रेस लिखे, फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा, उसके बाद और एक साइड पूछेगा आपकी कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके बारे में आप लिखिए। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में लिख के जॉब वाले में अगर आप एक्सपीरियंस डालना चाहते हैं तो इंटर्नशिप का डाल दीजिएगा, वो काफी अच्छा रहेगा। और अपने एजुकेशन में 10th 12th और ग्रेजुएशन डिप्लोमा वाले डालकर आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आप जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड नहीं करना है, आप डायरेक्ट अपना जीमेल आईडी से अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।